नमस्कार, मैं हूँ माया सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मायास फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे पपीते की बर्फी। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, थोड़ी यूनिक भी है, तो देखिएगा ये वीडियो। तो पपाया बर्फी बनाने के लिए पहले हमने ये कच्चा पपीता ले लिया है। ये पूरी तरह से कच्चा है, ये देखिए इसका शेप थोड़ा सा मैंगो जैसा है, बट ये पपाया है। तो इसे हम अच्छी तरह से पीलर से इसके छिलके निकाल लेना है। तो पपाया को हमने साफ कर लिया है, इसकी ये जो छिलका है वो निकाल लिया है और इस तरह से कट कर लेना है। ये 2 दिन पहले तोड़ा था इसलिए थोड़ा सा रेड हो चुका है, लेकिन ये बहुत सख्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे ग्रेट कर लिया है, जिस तरह से हम गाजर का हलवा बनाते वक्त करते हैं गाजर को। अब इसे एक बार धो लेना है। इसे धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो थोड़ा कसीलापन होता है कच्चे पपीते में तो वो इससे हट जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले और पानी निकाल ले इसका। अब पपाया का पूरा पानी हम अच्छी तरह से निकाल चुके हैं। एक बड़ा कटोरी हमने यहाँ पर मैदा लिया है। तो पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, मैदे को हमें भूनना है। तो मैदे को भूनने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को जस्ट मेल्ट होने देना है, गर्म नहीं होने देना है। तो ये मेल्ट हो चुका है, जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें ये मैदा डाल देना है हमें सारा का सारा। भून लेना है इसे। बस लगभग 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से घी डालते हैं। जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाए इसमें पपाया डाल देना है। पपाया में पानी बिल्कुल भी नहीं है तो हमें इसे चलाना है मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से तो 1 मिनट के लिए लगभग हम इसे कवर कर लेंगे, थोड़ा स्टीम हो जाए इसलिए। 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। थोड़ा फूड कलर इस पे डालेंगे ताकि थोड़ा ऑरेंज कलर आ जाए। मिक्स कर लें अच्छी तरह से फूड कलर को। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर थोड़ी ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि हमें इसका थोड़ा चाशनी जैसे बनाना है। मिक्स कर लें। शक्कर डालते से ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, लेकिन हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। लेकिन इसे पकाएं। तो अभी ये जो शक्कर है ये गाढ़ा होने में थोड़ा समय लेगी, तो इसे हम गाढ़ा होने देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर चला रहे हैं इस तरह से। इसमें हम थोड़ी इलायची पाउडर डालेंगे। मिक्स कर ले, अभी ये काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें ये मैदा डाल देते हैं। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से। मैदा डालने के बाद लेकिन इसे अच्छी तरह से चलाना भी है। कलर थोड़ा सा फेंट हो चुका है, यदि आप चाहें डार्क कलर तो आप ऐड कर ले। चलाते रहे थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे, यदि आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब इसे फटाफट से हम सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी बर्तन में प्लेट में हम इसे सेट कर लेंगे।
ये देखिए, हम इसमें ये बर्फ़ी पूरी अच्छी तरह से सेट कर चुके हैं, इसे ठंडा होने देंगे। तो बर्फ़ी को पूरा ठंडा होने से पहले ही हमने कट कर लिया है, क्योंकि बाद में फिर हम इसे प्रॉपर कट नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही इसे कट कर लीजिएगा। तो हमारी ये पपाया बर्फ़ी बनके एकदम तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।